कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और मोहम्मद सिराज को एशिया कप फाइनल में सब्र का फल मिल ही गया। पूरे टूर्नामेंट में विकेट तलाश करने वाले मोहम्मद सिराज ने एक ही मैच में 6 विकेट झटक लिए और गेम का पासा ऐसा पलटा कि पूरी दुनिया देखती रह गई। अब बड़ी से बड़ी टीम ये सोच रही होंगी कि दुनिया में कोई भी गेंदबाज मिल जाए, भैया मोहम्मद सिराज ना मिले। देखिए ये रिपोर्ट। पूरे एशिया कप में मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी की, तेज दौड़े, बल्लेबाजों को बीट किया, लेकिन उनके एज ढूंढने में असफल रहे। शायद एशिया कप के फाइनल में ही सारी चीजें दिखने वाली थी, शायद फाइनल में ही उन्हें वो सब मिलने वाला था जिसकी कोशिश वो पूरे टूर्नामेंट में कर रहे थे। श्रीलंका के साथ फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपनी पेस से बल्लेबाजों को परेशान किया, डराया, और ऐसा डराया कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाया। एक ही ओवर में 4 विकेट झटक लिए और श्रीलंका की कमर ही तोड़कर रख दी। ऐसा इससे पहले किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं किया था। उसके बाद सिराज ने असलंका और दसुन शनका का विकेट भी लिया। ऐसा करते हुए सिर्फ 21 रन देकर 6 विकेट अपने नाम कर लिए। 2018 में सिराज की इन स्विंग ठंडे बस्ते में चले गई थी, तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी में धार के लिए वॉबल सीम का इस्तेमाल करना शुरू किया और टेस्ट क्रिकेट में काफी कामयाब हुए। इसमें बल्लेबाज अधिकतर ग्रिप को रीड करने में नाकामयाब होते हैं और गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेज निकलती है, लेकिन रविवार को हुए मैच में सिराज ने अपनी सबसे बड़ी ताकत मानो मैदान के बाहर ही छोड़ दी थी, क्योंकि वो जानते थे कंडीशन सिर्फ स्विंग की है। उन्होंने मैच का अपना प्लान बड़ा सिंपल तरीके से बता दिया। मैं इस बात को समझता हूँ, आपको वही मिलता है जो आपके नसीब में होता है, उससे ज्यादा नहीं। मैं सिर्फ अपनी लाइन और लेंथ पर ध्यान दे रहा था। जब मैं 50 ओवर वाली क्रिकेट खेलता हूँ तब नई गेंद को स्विंग कराने की कोशिश करता हूँ। पिछले कोलंबो के मैच में गेंद ज्यादा स्विंग नहीं हो रही थी, लेकिन आज वैसा नहीं था, इसलिए मेरी कोशिश बल्लेबाजों को ड्राइव शॉट खेलने को मजबूर करने की थी। मैं विकेट्स के लिए नहीं जा रहा था, कंडीशंस मेरे लिए काफ़ी मददगार थी। अगर आप एक ही लाइन में गेंद पिच करेंगे तो आपको विकेट्स मिलेंगे ही। इस मैच में मानो श्रीलंका को पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हो गया हो। उनके बड़े बल्लेबाज भी नौसिखियों की तरह लग रहे थे। और तो और, एशिया कप इतिहास में श्रीलंका को सबसे कम स्कोर बनाने वाली टीम का अनचाहा टैग भी मिल गया। खैर, ये तो उनकी दिक्कत है, लेकिन टीम इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट में लगभग सारे बॉक्स टिक हो चुके हैं। लेकिन अब बारी है वर्ल्ड कप से पहले आखिरी टेस्ट की, दमदार ऑस्ट्रेलिया की, जिनके साथ इंडिया को 3 मैच की ODI सीरीज खेलनी है। उम्मीद है जो बची हुई प्लानिंग है वो भारत को इस सीरीज में जरूर मिल जाएगी। स्पोर्ट्स ब्यूरो, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।